तो आ गया हूँ वापस एक धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके गाइस, तो जेंक्स एमुलेटर का एक ब्रांड न्यू अपडेट आ चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है गाइस। एंड इस वाले अपडेट में आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिलेगी। मैंने खुद ट्राई किया है गाइस, पहले से कई ज़्यादा FPS में गेम रन हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया अपडेट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे गाइस, तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये अपडेट आया है। एंड यहाँ पर एमुलेटर प्रोवाइड कर दिया है, और आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चेकआउट कर लो, आपको भी मिल जाएगा ये अपडेट, ठीक है, मेरे टेलीग्राम पर। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दी है। ओके गाइस, तो पहले ब्लैक लोगो था, अब लोगो वगैरह चेंज हो चुका है। एंड चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर गो प्ले पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर की वगैरह आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो की वगैरह यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, फिर गेम फोल्डर यहाँ पर ऐड कर लेना है। ओके, यहाँ पर गेम फोल्डर में ऐड कर देता हूँ। ओके, ये ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पर अब हमारा गेम वगैरह शो होने लगेगी। तो यहाँ पर सेटिंग जो करना चाहे वो आप कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग, ग्राफिक सेटिंग, जो भी सेटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा गेम प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, इस डिवाइस में बेन 10 पावर स्ट्रिप एंड लेजेंड ऑफ जेल्डा का गेम यहाँ पर क्रैश हो जा रहा है, लेकिन प्रिंस ऑफ पेरिसिया बहुत ही बढ़िया रन हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए यहाँ पर FPS आपको कहीं ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगी। ओके, विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के गेम चलाए तो यहाँ पर 28 या 27 FPS देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, तो यहाँ पर 15 या 16 FPS में चल जाता है गेम, ठीक है। तो आपके पास अच्छा डिवाइस है तो आप 17 FPS तक गेम रन कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो जाओ, बहुत ही बढ़िया ये अपडेट है, जाकर ट्राई करो। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।